सभी लोग के एकदम ब्रांडी वीडियो के अंदर आज हम लोग जाने वाले हैं वापस से फोर्ज़ा होराइज़न के वर्ल्ड के अंदर, पर इस बार हो चुकी है एक छोटी सी प्रॉब्लम। तुम लोग सोच रहे हो क्या प्रॉब्लम? आई डोंट थिंक सो कि तुम लोगों ने लास्ट एपिसोड देखा है भाई। भाई हमारे घर में टोनी माफिया आ चुका है भाई। मजाक से हटके फ्रेडी जिससे बात करता था पूरे टाइम पे, उसको मेरे घर में लेके आ गया। क्यों लेके आया मुझे नहीं पता, और सच्ची बताऊं तो मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। लास्ट टाइम ही मैंने कॉनिक से गैरा ली थी भाई, अब पता नहीं क्या होगा। तो जिसने भी लाइक नहीं करा लाइक कर देना, 100K लाइक का गोल है। और जो भी नया प्लीज सब्सक्राइब यूर चैनल, 100 days 100 वीडियोज है। चलो चलते हैं, देखते हैं कि क्या चाहिए इस माफिया को हमसे भाई। ये लोग लेजेंड मेरे वहाँ क्या कर रहे हैं भाई? टोनी माफिया, उसका राइट हैंड और फ्रेडी भाई। क्या बोलूँ भाई, मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ। मैं सोच रहा था कहाँ पर हम लोग भाई इसको करेंगे, अपना अपग्रेड करेंगे गाड़ी को, एकदम मस्त रेस व्हील बनाएंगे। मैं बात करके आता हूँ दोस्तों, देखते हैं क्या बात है। भाई मेरी अभी अभी टोनी माफिया से बात हुई, और वो बंदा बोल रहा है कि भाई तुम मेरे पीछे पीछे आओ। अब पता नहीं कहाँ बुला रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है भाई। मेरे घर पे तो फिर भी CCTV कैमराज है, यहाँ पे पता चल जाता है अगर कुछ। भाई ये मुझे मारने की ना सोच रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरे को डर लग रहा है अब। क्योंकि लास्ट टाइम अगर तुम्हें याद होगा तो फ्रेडी जो हम लोगों को रेस में ले गया था, हम वो रेस हार गए थे। चाहे हम दूसरी रेस जीत गए थे, पर हम लोग वो वाली रेस में सेकंड या थर्ड कुछ आ गए थे। और उसके बाद हम लोगों ने उसमें दोबारा से पार्टिसिपेट किया था। उसमें शायद से टोनी माफिया ने बहुत ज़्यादा पैसा लगा रखा था। अब मुझे नहीं पता कि क्या होगा भाई। अभी ये लोग बोल रहे हैं कि हमारा पीछा करो, चलते हैं भाई। ये लोग जहाँ जा रहे हैं भाई, वो जा रहा है उसका राइट हैंड, देखो। चलो चलो चलो, टर्न अराउंड व्हेन इट इज सेफ टू डू सो। भाई ये लोग मुझे मजाक से हट के कहाँ लेके जा रहे हैं भाई, मुझे पता ही नहीं है भाई। मैं कितना डरा हुआ हूँ तुम्हें बता भी नहीं सकता भाई। तुम समझ रहे हो ना, वो माफिया लोग है भाई। भाई मेरा एक बारी को मन कर रहा है यहीं से भाई एकदम से यू टर्न काटूँ और भगा दूँ गाड़ी। पर अगर इन लोगों ने पकड़ लिया ना, तुम समझ रहे हो ना, अगर इन लोगों ने गलती से भी मुझे पकड़ लिया, फिर मेरा जो हाल होगा। और इसका तो नेटवर्क हर जगह पे है भाई। जितनी जहाँ पर भी तुम रेसिंग फील्ड पे जाओगे ना, हर कोई टोनी माफिया को जानता है भाई। मैं तक जानता था, सोचो, मुझे माफिया इसके बारे में पता नहीं था भाई। ये लोग कहाँ लेके जा रहे हैं भाई, मुझे पता ही नहीं है कुछ। अरे भाई हम लोग काफ़ी टाइम से चले जा रहे, 2 किलोमीटर और है डेस्टिनेशन। भाई ये टोनी माफिया कहीं मेरे को उड़ाने तो नहीं वाला ना? मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं डरा हुआ भाई। मैं तो सोचता फ्रेडी सही बंदा है भाई, कॉनिक्सेक जैस को फरारी दिलवा दी थी उसने हमें, याद करो यार, सारी चीज़ें दिलवा दी। और अब देख रहे हो तुम लोग, अरे तू चुप हो जाए ना भाई यार, चुप हो जाए बिल्कुल। यहाँ मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या होने वाला है। इसको हो रही है 200 meters टर्न राइट। भाई प्लीज यार, प्लीज भाई मारना मत, बस भाई कुछ भी करवा लो, कुछ भी कर लूंगा भाई, मारना मत भाई। मैं कहाँ खुश हो रहा था, मैं लेजिट मेरा आज का प्लान क्या था पता है? मैं बताता हूँ तुम्हें, लास्ट वीडियो में मैंने जस्ट खरीदा था, उसके बाद मेरा प्लान यही था कि मैं सोच रहा था भाई फटाफट से इसको बनाएंगे अगैरा को, ऐसी गाड़ी बनाएंगे कि मज़ा ही आ जाएगा भाई। और अब देख लो तुम लोग, माफिया का पीछा करके पता नहीं कौन सी, भाई इसने लिटरली रोड छुड़वा के पता नहीं कौन सा जंगल भीड़ में लिया है वो। तो भाई कम हो रहा है कहने को, हम लोग तो है भी मैक्सिको में भाई। ले रहा हूँ ना भाई, ले रहा हूँ टर्न राइट कर रहा हूँ। अरे अरे भाई भाई ये लोग कहाँ जा रहे भगा के? कुछ करना मत भाई, चला रहा हूँ मैं ढंग से, इज्जत से पीछे आ रहा हूँ, बस मेरे साथ कुछ करना मत यार। 600 किलोमीटर कहाँ लेके जा रहा है ये हम लोगों को? ये टोनी माफिया कहाँ ले जा रहा है भाई? वो तो अजीब सी जगह दिख रही है बहुत भाई। ये लोग एक मिनट, घर तो पास हो गए भाई, ये कहाँ ले जा रहा है टोनी? अबे पिक्चरों में ऐसी जगह पर तो भाई माफिया ले जाके मारते हैं भाई, ये कैसी जगह पे लेके आ गया हमें? भाई मेरी बात हो चुकी है टोनी माफिया और उसके बंदों से भाई। ये लोग बोल रहे हैं कि अपनी फरारी लेके आए यहाँ पे, जो मेरे को फ्रेडी ने दिलवाई थी। भाई ये क्या बदतमीजी है यार, बस ये लोग कुछ कर भाई कर रहा हूँ यार, कर रहा हूँ भाई। ओके फरारी, मेरी फरारी कहाँ होगी? फरारी F ना,
भाई क्यों मंगा रहे हैं मुझे नहीं पता भाई, ये क्या बात है भाई। मजाक से हट के मैंने एक चीज बता दूं तुम लोगों को, मेरे पास पैसे आए थे, मैंने फरारी पूरी पे कर दी है, समझ रहे हो, फरारी पूरी पेड आउट है। अब ये मेरी गाड़ी है, मैंने पैसे दे दिए हैं इस गाड़ी के। भाई ये देखो कैसे खड़े हैं यहाँ पे भाई, आई जस्ट होप ये मेरी फरारी के साथ कुछ करे ना भाई, प्लीज भाई। ये पूरा यार्ड इसी का है। अरे भाई 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 ये लोग क्या करना चाहते हैं मेरी फरारी के साथ। भाई ये लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं भाई, क्या है, अरे क्या करना है, क्यों मंगवाई फरारी है कहीं मेरे को। ओके आई थिंक मेरे को उसका पीछा करना है, मेरे को उसका पीछे है, हाँ हॉर्न भी बजा रहा है भाई, उसका पीछा करना है मैंने। हैं क्या करना है, क्या करना चाह रहा है ये आदमी भाई, ये इसमें डालने। अरे 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 डालना हूँ भाई, ये यहाँ डालने के लिए बोल रहे क्या इतनी पतली जगह पे। अबे मेरी फरारी जाएगी भी नहीं भाई यहाँ तो। अबे कैसे डालू भाई, अबे घुसेगी नहीं यहाँ पर। कैसे ना कैसे डाल लाऊं मैं मुझे नहीं पता भाई, करना क्या है लेकिन यहाँ पर अब है? भाई इन लोगों ने मेरी फरारी कंटेनर में डलवा दी यार, व्हाट द हेल भाई, मेरे को लगा उस जगह पे क्यों डलवा रहा है, उसने मेरी फरारी को लेजिट कंटेनर में डलवा दिया है और अब बोल रहे हैं कि अगर इसको चाहिए वापस तो भाई इसको 3 रेसेस जीतनी पड़ेंगी जो टोनी माफिया करवा रहा ताकि उसको उसके पैसे वापस मिले जो वो हारा था, और उसके बाद वो मेरे को मेरी फरारी वापस करेगा। भाई ये कितने रुपए लगाते हैं ये लोग लेजिट, वो फरारी कम से कम नहीं भी तो 1.5 मिलियन की तो वो फरारी है, 1.5-2 मिलियन की, ये लोग कितने रुपए लगाते हैं भाई। वो चाहता फरारी ले लेता पर उसने सोचो रैंसम लगाई है, तो भाई ये क्या चाहते हैं यार मेरे से, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है यार। अब हम लोगों को 3 रेसेस करनी पड़ेंगी भाई यार। अब मैं अपनी फरारी कैसे, मेरे को तो हो रहा था कि भाई मैं अपनी कॉनिकसेक को कैसे भी बस मैक्स आउट कर लूँ ताकि हम लोग जीत सके, और यहाँ पर उल्टा ही पड़ गया है सब कुछ भाई। अब मैं करूँ तो करूँ क्या, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ भाई यार, अरे मैं जीत जाऊँगा यार 3 रेसेस भाई, मेरी गाड़ी वापस कर दो प्लीज़। अरे भाई यार कोई तो सुन लो भाई, अरे मैं जीत जाऊँगा भाई यार रेसेस भाई, नहीं 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 जाओ नहीं जाओ नहीं भाई प्लीज़ भाई। अबे कहाँ, अबे भाई मैं जीत जाऊंगा यार टोनी माफिया, मैं जीत जाऊंगा 3 रेसेस, मेरी गाड़ी दे दे भाई, अरे मैं जीत जाऊंगा भाई यार। निकल लिए तीनों के तीनों भाई, कैसे देख रहे हो ट्रैफिक जैम करवा के जा रहे हैं पूरा का पूरा। भाई बताऊंगा इस टोनी माफिया को, और सबसे पहले तो इस फ्रेडी को बताऊंगा भाई, रुको चेक करता हूँ मैं अगर मेरी फरारी अभी भी वहीं हो तो, क्या मेरी फरारी है यहाँ पे। भाई इन लोगों ने मेरी फरारी को कंटेनर में डलवा दिया है भाई, और ये पूरा का पूरा यार्ड जो है ये टोनी माफिया का यार्ड है, तुम समझ रहे हो, तुम सोच भी नहीं सकते यहाँ पे कितनी गाड़ियाँ रखी होंगी अगर हम लोग ढूंढने निकले तो। पर भाई वही है ना, उससे दुश्मनी करना वही वाली बात हो जाएगी, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। अब हम लोगों को कैसे भी 3 रेसेस जो टोनी माफिया की है वो जीतनी पड़ेंगी, और उसके बाद ही हम लोगों को हमारी गाड़ी वापस मिलेगी। कहाँ मैं सोच रहा था कि कॉनिकसेक वगैरह को इतना क्रेजी बना दूंगा कि भाई 500-500 भागेगी, यहाँ अपने ही सर पे कुल्हाड़ी पड़ गई है भाई, एक रेस हारा मैं भाई। बोलते हैं ना भाई माफिया से ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी, भाई सच ही बोलते हैं भाई, सच ही बोलते हैं भाई। मैं फ्रेडी को तो बताता हूँ, रुक जाओ तुम, कहाँ से लाऊंगा मैं अपनी फरारी वापस भाई। और गलती से भी अगर हम उन 3 रेसेस में से एक भी हार गए, खत्म है भाई सब कुछ भाई यार। मैं लेजिट भाई मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है एट दिस मोमेंट कि हम लोग कैसे करने वाले हैं और क्या करने वाले हैं। अगर हम लोग वो रेसेस हार गए ना भाई, कोई एक रेस ही हार गए, फिर तो हमें टोनी माफिया नहीं छोड़ेगा। अभी तो उसने सिर्फ गाड़ी ली है, मुझे लग रहा है भाई फिर हमें ही मारेगा वो जान से, कुछ तो होगा खतरनाक भाई। फटाफट से चलते हैं पुराने वाले घर पर, वहाँ से अपनी गाड़ियाँ उठाते हैं और उसके बाद चलो सीधे रेसेस पे भाई। मेरे ख्याल से हमारी ये GTR जो है वो 118 पे मैक्स, 418 पे मैक्स आउट हो जा रही है। हाँ मैं स्पीड देख लेता हूँ,
गाइज मैंने लगा दिया है, पहली रेस जहाँ होने वाली है भाई, आई जस्ट होप हमारी कॉनिक्सेक भाई कुछ करने को मिल जाए, मैं कॉनिक्सेक पे कुछ हो जाए। अच्छा ये तो नहीं ना रोड रेसिंग भाई, मैं बता रहा हूँ भाई, ये बंदे ना यार इनसे एक तो मैं क्या बोलूँ भाई, उसका पूरा नेटवर्क है यहाँ पे, सब कुछ है, तो हम उससे ऐसे पंगे भी नहीं ले सकते। अब बस आई होप इसके बाद, मैं बता रहा हूँ इसके बाद ना मैं फ्रेडी से बात करने वाला हूँ ना किसी से बात करने वाला हूँ भाई। वो मैंने जैसे बोला ना भाई, इनसे दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी भाई, वो सच है भाई, इनसे ना दोस्ती अच्छी है ना दुश्मनी अच्छी है भाई। भाई लास्ट टाइम तक मैं यही बोल रहा था ना कि भाई माफिया से बात हो जाएगी, एटलीस्ट माफिया से बात हो जाएगी, लो कर लो बात भाई, गाड़ी जब्त कर ली 2 मिलियन की, मजाक हो रही है यहाँ पे भाई। मैं तो अपनी GTR में रेस करूँगा पहली, आई जस्ट होप हम लोग ये जीतें, क्योंकि हम लोग को अगर ये 3 रेसेस जीतनी है तो हमें अपना 100% देना ही पड़ेगा भाई। एंड बिलीव मी ब्रो, जब मैं GTR में होता ना मेरे को फील आता है कि मैं अपना 100% दे रहा हूँ। लेट्स डू दिस गाइस, दिखाते हैं इन लोगों को GTR की पावर भाई, ये हल्के ही ले रहे ना। चल यार, एमरल्ड सर्किट में तो मैं छीलता था भाई, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा ध्यान पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ फरारी पे, पता मैं तुम्हें झूठ भी नहीं बोलूंगा भाई, मेरा पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ फरारी पे गया हुआ है अभी यार। क्या कर रहा है ढंग से चला ले भाई, वो बंदे को देखो भाई, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये, अबे ये किसी ने प्लांट तो नहीं करा भाई, तेज कैसे भगा रहा है ये बंदा। ओके पहला लैप, हम लोग हार रहे हैं गाइस, हम लोग हार रहे हैं, मेरे को यकीन नहीं हो रहा है पर हम लोग हार रहे हैं भाई। बस 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 पकड़ लिया दोस्तों, ऑलमोस्ट पकड़ लिया इसको हमने, हमारे आसपास कोई नहीं है भाई, मेरे को लग रहा है पीछे एक्सीडेंट हो गया। नहीं, आगे भाई पहुंच गए, भाई बोलते ही पहुंच गए यार, कैसे बंदे हैं ये यार, आज GTR कट की नहीं रही है ढंग से, मुझे समझ में नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है हैंडलिंग डाउन हो गई GTR की। कम ऑन यार, मैं इस बंदे को छू ही नहीं पा रहा हूँ भाई, यार तीसरा लैप स्टार्ट हो गया है, इस बंदे को मैं छू ही नहीं पा रहा हूँ मजाक से हट के भाई, अब मुझे भगानी पड़ेगी भाई, सॉरी यार। चल कर लेंगे पकड़ लेंगे बस नहीं यार, कम ऑन यार, दिमाग लगा थोड़ा, चल संभल GTR, संभल ब्रो, चल हो रहा है चल। कम ऑन अंशु, कम ऑन ब्रो, जितना है कैसे भी, नहीं ये कौन आ गया, नहीं, लेट्स गो बॉयज, ओ भाई लेट्स गो भाई। भाई मेरे को फ्रेडी बुला रहा है होराइजन पे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है भाई, चलो देखते हैं क्यों बुला रहा है भाई। फ्रेडी बोल रहा है कि होराइजन पे आ जाओ कॉनिक्सेक वगैरह लेके। ओके भाई, अब ये क्या कॉनिक्सेक वगैरह को भी कंटेनर पे डलवा देंगे क्या, एक रेस जीता हूं मैं भाई, दूसरी भी जीत जाऊंगा पक्का यार, क्या चाहते हैं ये लोग मेरे से, मेरे को समझ में नहीं आ रही यार। मैं तो भाई सच्ची बता रहा हूँ, मैं तो जितना दूर हो सकता है ना उतना दूर रहूंगा इन लोगों से भाई, कुछ हो जाए चाहे, अब कितना ही हो जाए भाई, मैं इन लोगों से दूर ही रहूंगा अब से भाई, बहुत गलत फंसा भाई मैं, बहुत गलत फंसा हुआ, मजाक भी नहीं कर रहा। पहुंच गए, बस ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हम लोग, आई जस्ट होप भाई ये मजाक से हटके मेरी यार कॉनिक्सेक को भी ना पढ़वा दे यार, उसमें प्लीज भाई, प्लीज कॉनिक्सेक को भी नहीं यार,
Turn left. Turn left. ये खड़ा है भाई, ओके चलो दोस्तों इससे बात करते हैं, देखते हैं क्या बोलना चाह रहा है भाई। कुछ तो चाह ही रहा है, पक्की बात है भाई। तुम लोगों को यकीन नहीं होगा क्या हुआ है, फ्रेडी ने हम लोगों को कॉनिक से गगैरा ट्यून करने के लिए दे दी, बोल दिया उसने कि ट्यून कर सकते हो मेरे गैराज में। व्हाट, आई डोंट थिंक कि भाई इतना भी बुरा है फिर तो यार, इन लोगों से दोस्ती होना। भाई उसने हमें ट्यूनिंग करने की परमिशन दे दी है, अब हम लोग ट्यून कर सकते हैं अपनी गाड़ी को। ओके भाई सबसे पहले हम लोग जाके कॉनिक सेक निकाल लेते हैं अपनी। देयर वी गो, गेट इन योर कार भाई। सबसे पहले ओए होए क्या लगती है भाई, लेट्स गो अपग्रेड एंड ट्यून्स भाई। एंटी लैग टर्बोचार्जर्स कैन नाउ बी फिटेड टू टर्बोचार्ज व्हीकल्स, लेट्स गो गाइस। हम लोग बनाने वाले अपनी कॉनिक सेक को द बेस्ट कॉनिक सेक आउट देयर ब्रो, लेट्स गो टू रेस ट्विन। ओ भाई इससे तुम लोग देख रहे हो लैग कम हो रहा है गाइस, नहीं जल्दी आरपीएम जल्दी पकड़ रही है इससे, इससे दिक्कत तो होगी। चलो मैं एंटी लैग लगा तो रहा हूँ बट इससे दिक्कत तो होगी क्योंकि आरपीएम जितनी जल्दी पकड़ेगी उतनी ज़्यादा ड्रिफ्ट भी करेगी ये, मतलब ये मेरा मानना है ऐसा। लेट्स सी ठीक है, एक्सेलरेशन लॉन्च हैंडलिंग और गंदी हो जाएगी, तो मेरे को हैंडलिंग और गंदी तो इस गाड़ी की करनी है, ऑलरेडी बहुत बुरी है ठीक है। इससे थोड़ी लाइट वेट हो जाएगी राइट गाड़ी, नहीं रीइन्फोर्स्ड हो जाएगी, भारी हो जाएगी इससे तो और जो, पर यार सब कुछ अच्छा हो रहा है, हैंडलिंग वैंडलिंग सब कुछ अच्छा हो रहा है, मैं तो लगा रहा हूँ भाई। वेट रिडक्शन, इससे स्पीड बढ़ जाएगी, नहीं हैंडलिंग बढ़ जाएगी इससे, एक्सेलरेशन ब्रेकिंग सब कुछ बढ़ जाएगी और बाकी सारी चीज़ें थोड़ी कम हो जाएंगी जैसे कि एक्सेलरेशन। ठीक है मेरे को चलेगा भाई, थोड़ा वेट कम कर देंगे बट मेरे को चलेगा। लेट्स सी ठीक है, क्लच देखते हैं ड्राइव ट्रेन का। ओके आई डोंट थिंक सो ज़्यादा कुछ ख़राब हो रहा है, मैं लगा रहा हूँ इसको ठीक है, अभी देखते हैं सब कुछ। इसी में मेरे को दिख रहा है कि हैंडलिंग वैंडलिंग सब कुछ अच्छी हो रही है, मैं तो यही लगा रहा हूँ भाई। ओके रेस फिट लगाते हैं इसमें, नाइस ठीक है। ओके मैं एक बार देख रहा हूँ, स्पोर्ट फिट, रेस फिट, रैली फिट, ड्रिफ्ट फिट, ऑफ रोड फिट, नहीं रेस फिट लगाएंगे ठीक है, ताकि ये तेज भागे भाई, रेस फिट से सीधी सी बात तेज भागेगी। अब मेरे को टायर्स में कुछ ऐसा देखना जिससे ज़्यादा ग्रिप पकड़े, समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा रपट रही है गाड़ी, हद से ज़्यादा भाई, हद ही हो रही है बिल्कुल एकदम इन गाड़ी इस टायर के लिए तो ठीक है। एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा, सब कुछ है मेरे ख्याल से कोई भी, ओके ये गाड़ी ये इससे कैसे ग्रिप बढ़ जाती है मुझे समझ में नहीं आता है भाई, गंजा टायर है पूरा। ओके लेट्स सी भाई, ये गाड़ी रेयर व्हील ड्राइव है ना, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है पता है। लास्ट चीज़ है कन्वर्जन, देखो फोर व्हील ऑल व्हील ड्राइव तो करना ही नहीं है, स्पीड एकदम आधी हो जाएगी इसकी क्योंकि इंजन ही इसका रेयर व्हील ड्राइव के लिए बना हुआ है, तो आई डोंट थिंक सो हम लोगों को इसमें कुछ भी और चेंजेस करने चाहिए। इंस्टॉल सेटअप 27,000 रुपये लगेंगे मेरे पास, कितने 80,000 रुपये पड़े हुए राइट, 27,000 रुपये भूस हो चुके हैं हमारे। बट यार इसमें बॉडी किट क्यों नहीं आती यार, मुझे चाहिए थी कॉनिक सेक्ट कुछ ऐसा वाइट बॉडी किट होती ना, आई डोंट थिंक सो अच्छी लगती है बट हाँ ठीक है भाई। मैं सोच रहा हूँ ना कि आप देखो हम लोगों ने गाड़ी थोड़ी चेंज करी, डिज़ाइन भी इसका थोड़ा चेंज करते हैं, कलर वलर ना थोड़ा सा इसको डिफरेंट बनाते हैं अब ठीक है। लास्ट टाइम तक ये वाली थी अच्छी लग रही है बट थोड़ी सी डिफरेंट करते हैं अब गाड़ी को, पता है भाई देखो ब्लैक तो तुम्हारे भाई का फेवरेट है तुम्हें भी पता है, इसको देखते हैं ब्लैक एंड गोल्ड जैसा कुछ है, तगड़ा लग रहा है बहुत ज़्यादा। लेट्स सी गाड़ी कैसी लगेगी इसमें, प्लीज़ अच्छी लगना प्लीज़ भाई प्लीज़ भाई। इस गाड़ी से वैसे मेरी बहुत हाई हो, ओ कूल लग रही है भाई, लेट्स गो भाई। हमारी कॉनिक से क्या कह रहा है देखो एक बार, कितनी ज़्यादा कूल लग रही है अब, मजाक से उठ के भाई उस कलर से और इस कलर में कितना डिफरेंस आ रहा है, देखो गाड़ी ही नहीं लग रही है भाई। थैंक यू सो मच यार फ्रेडी भाई, मजाक से ये अजीब बंदा है भाई, इसको कभी नहीं पढ़ पाऊंगा, मजाक भी नहीं करूंगा इसको, थैंक यू बोलता हूँ। ये भाग जाता है भाई, फिर ये लेके टोनी माफिया को मेरे घर आ जाता है भाई अपने बंदे के साथ। चलो लेट्स सी गाइस ठीक है, लेट्स सी ये गाड़ी में कुछ सुधर। देखो 400 तो ये नॉर्मली भागती थी ठीक है, 400 ये नॉर्मली भाग जाती थी बट अब देखते हैं क्या ये गाड़ी, समझ रहे हो, सारी चीज़ें सब कुछ तोड़ पाएगी रिकॉर्ड्स अपने। लेट्स सी भाई साहब, व्हाट द हेक ब्रो, ओके डूड आई एम नॉट इवन गोना लाई, ये क्या बना दी मैंने गाड़ी भाई, भाई मैं झूठ भी नहीं बोलूंगा। पहली बात तो ये कि तुम लोग मेरे को बताओ, याद करो हम लोग उतना पीछे से लेके आते जीटीआर ईटीआर को, भयंकर वो तब भी 300 350 क्रॉस नहीं कर पाती थी, इसने वहां से खड़े होकर जहां से ड्रिफ्ट मारते हैं
इसने ऑलमोस्ट 400 कर दी थी भाई। What the heck? ओ भाई साहब, भाई मुझे इस गाड़ी की अब टॉप स्पीड चेक करनी है अगली रेस से पहले। भाई मैं मजाक नहीं करूंगा, मैं इस गाड़ी की टॉप स्पीड चेक करना चाहता हूँ रेस से पहले। भाई इससे पहले हम लोग को दो रेसेस करें जिससे टोनी माफिया हमारी भाई वापस दे दे हमें फरारी। हम लोग जाके पहले इसकी टॉप स्पीड चेक करते हैं हाईवे पे, ठीक है? चलो भाई, ये रपट भी नहीं रही है, ये तो बढ़िया बना दी भाई मैंने। थोड़ी संभालनी मुश्किल होती है 300-400 में, पर ये रपट नहीं रही है। अब मेन बात तो ये है भाई, यार ऑफ रोड लेके जाते हैं इसको थोड़ी सी, ठीक है? कॉनिक्सेग वगैरह ऑफ रोड, जी हाँ दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ भाई की गली में। इसको ना हाईवे पे टेस्ट करते हैं भाई, एक बार चला के देखते हैं हाईवे पे और इसकी टॉप स्पीड निकालते मैं तो। ओ भाई साहब, MK4 अपने पास भी पड़ी है यही वाली। बस आ गया हाईवे ऑलमोस्ट। गाइस हम लोग आ चुके हैं हाईवे में, अब मैं इसकी एक एक लाइक जो एक एक गियर है ना सबकी टॉप स्पीड चेक करेंगे, ठीक है? लेट्स गो। फर्स्ट गियर 180, सेकंड गियर 240, थर्ड गियर 320, फोर्थ गियर 414, फोर्थ गियर 414, और फिफ्थ गियर तो टॉप भी नहीं हो पा रहा है। 450 भाग रही है हमारी कॉनिक्सेग भाई, 453। इसकी टॉप स्पीड है 454। हम लोग इसको 454 तक ले गए भाई। What the heck bro? थोड़ी ठुक गई गाड़ी आगे से, बट ये 453 चले गई भाई टॉप स्पीड। आई थिंक ये मेरी सबसे फास्टेस्ट कार है अभी तक की भाई। तो गाइज हम लोग को अपनी सेकंड रेस भी मिल चुकी है, और मैं तो बोल रहा हूँ भाई हम लोग अपनी कॉनिक्सेग में ही जाते हैं वहाँ पे फर्स्ट सेकंड रेस करने के लिए भी। भाई फ्रेडी बंदा तो बड़ा खतरनाक है यार, क्या ट्यूनिंग कर रही है गाड़ी की, तुम देख रहे हो भाई, रॉकेट शिप बन गया ये गाड़ी नहीं है अब। ओ भाई साहब, अरे यार मैंने ब्रेक मार दिया, मुझे लगा उधर पे कुछ टर्न आ रहा होगा, लाल कलर के सिग्नल दिखे ना मेरे को। ब्रेकिंग थोड़ी खराब है 350 की स्पीड पे ब्रेक लगा के बोले ब्रेकिंग थोड़ी खराब लग रही है, नहीं लेट्स गो गाइस, लेट्स डू दिस रेस। मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस है, मैं मजाक नहीं करूंगा, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, पर अब मेरे को अपनी कॉनिक्सेग पे हो रहा है थोड़ा कॉन्फिडेंस। भाई क्या है ये अगेरा, भाई क्या है ये, दिखने की भी कितनी खतरनाक लग रही है, देख रहे तुम लोग? ओ भाई साहब, लेट्स गो गाइस, इन लोगों को दिखाते हैं भाई हम लोग कौन है। इट्स टाइम बॉयज। भाई बुगाटी बुगाटी भी दिख रही है मेरे को तो इस रेस में। ओ भाई ये क्या एक्सेलरेशन है इनकी गाड़ियों का, व्हाट द हेक भाई, सारी सुपर कार है ये, एक्स लेवल की कार है सारी। सिंस मैं एक्स कलर मतलब एक्स लेवल की गाड़ी लेके आया हूँ ना, सारी की सारी एक्स लेवल की गाड़ियां लेके आए हुए हैं। कोई बात नहीं भाई, के जैसे ट्यूनिंग थोड़ी ना करी होगी। चल चल संभाल अंशु संभाल यार, ये गहरा ना यार, रियर व्हील ड्राइव है ना तो बहुत दिक्कत दे रही। भाई ये पगानी है क्या, कौन सी गाड़ी है ये बगल में, वो लिटरली ब्रेक मार रहा था उसके, देख रहे हो तुम लोग जो वो होता है पीछे का, क्या कहते उसे यार, क्या बोलते हैं मेरे को, छी यार मेरे दिमाग में आ रहा है बट वैसे नहीं आ पा रहा है। स्पॉइलर स्पॉइलर, उसका स्पॉइलर ऐसा उठ रहा है भाई हर बार ब्रेक मारने पे, समझ रहे हो ना, तो वो जो डाउन फोर्स बना रहा है उससे ब्रेकिंग अच्छी हो रही होगी उसकी। कम ऑन, पहले लैप में तो हम लोग ही फर्स्ट है भाई, अगेरा फॉर द विन गाइस।
यार मैं इसमें हैंड ब्रेक नहीं मारना चाहता क्योंकि ना ये थोड़ी सी रियर व्हील ड्राइव गाड़ी है, तो ये हैंड ब्रेक में कहीं पूरा गोल ना घुमा दे, इसलिए मेरे को डर लग रहा है थोड़ा सा। इसलिए मैं ढंग से चला रहा हूँ इसको बिना हैंड ब्रेक के, ना ड्रिफ्टिंग नहीं कर रहा मैं बिल्कुल भी इससे, क्योंकि हो जाएगी। ओ भाई ये कौन सी गाड़ी है मेरे पीछे? नहीं 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 नहीं, अरे ये वही गाड़ी है भाई, पकानी पकानी इसको 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 भाई। नहीं 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 सॉरी ब्रो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बट सॉरी 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 भाई, मैं ठोकना नहीं चाहता तेरी गाड़ी। अरे भाई यार मेरा थोड़ा ज़्यादा लाइन में लगा है, तुम्हें बस इससे 15-20 हज़ार डॉलर मिल रहे होंगे, पर मेरे बहुत ज़्यादा लाइन में लगी हुई चीज़ है यार। नहीं 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 नहीं, वो भाई अच्छा भाई सेकंड लैप ही है, अगर ये थर्ड लैप होता मैं हार गया था गाइस अभी। भाई क्या पटाखे में जाते हुए चल रही है उसकी गाड़ी यार। चल संभाल संभाल गाड़ी संभाल। ऐसे कैसे बेबी, ऐसे कैसे चले जाओगे आगे? आज तुम्हारे पिताजी ही जीतेंगे, समझे क्या? थोड़ा हमारे कंधे पे ना रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। चल चल चल, नहीं नहीं ऑफ रोड नहीं, ऑफ रोड नहीं भाई, कब गोल घूम जाएगी पता भी नहीं चलेगा। हम लोग पहुँचने वाले गाइस, लैप खत्म होने वाला है, लेट्स गो। $2 million की गाड़ी लगी है दाव पे और ये 2000 रुपए दे के बोल रहे हैं खुश रहना बेटा खुश रहना। चलो गाइस फटाफट से अब मैं इन लोगों से लेता हूँ अपने जो लास्ट रेस है आज की, इसके बाद शायद से मेरे को मेरी फरारी मिल जाए, उसका एड्रेस लेता हूँ एंड लेट्स डू दिस बॉयज, वंस एंड फॉर ऑल खत्म करते हैं भाई इसको। क्या लग रही है यार अब ये गाड़ी, डैम ब्रो। भाई इन लोगों ने लास्ट रेस कुछ अलग सी दी हुई, अब मेरे को पता नहीं है ये क्या रेस है, बट बिलीव मी ब्रो मेरे को तो प्यार हो गया इस गाड़ी से भाई। ओके फर्स्ट एग्जिट सेकेंड एग्जिट। भाई ये गाड़ी क्या 200 कब कर दे रही है कोई बंदा बता भी नहीं सकता भाई। यार इससे तो ड्रैग रेस होगी भाई, क्या खतरनाक ड्रैग रेस होगी इससे यार। अगर ये इतना तेज भागती है तो आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि भाई इसकी जो जेस्को है वो कितना तेज भागती होगी। डैम ब्रो भाई जेस्को कहीं 500 तो नहीं चले जाती है, 450 तो यही जा रही है खाली, बस पहुंचने वाले हैं। भाई ये गाड़ी क्या क्रेजी बना दी है यार मॉडिफाई करके, मैं मजाक नहीं करूँगा। ये गाड़ी पहले ना मतलब थी तो तेज पहले भी, बट ये ना थोड़ी चलाने में दिक्कत देती है, जैसे रपट जाएगी या फिर वो सब, क्योंकि रियर व्हील ड्राइव है, जब तुम एकदम से पंजाब आते हो तो भागती है गाड़ी ना भाई। अब ये गाड़ी कुछ ऐसी बदतमीजी नहीं कर रही है, और क्या ही स्पीड क्या ही पकड़ रही है ब्रो। ये देखो ना फर्स्ट गियर पे मैंने पूरा पंजा दबा रखा है भाई, यार क्या क्रेजी कूल बन गई है गाड़ी भाई अब। भाई गेट खोला ही नहीं किसी ने, तो मैंने सोचा मैं ऐसे चले जाता हूँ। भाई ऑफ रोडिंग कर रहे हैं हम तो, ऑनिक सेक्शन। ओके पहुंच गए गाइस, लेट्स डू दिस। जी जी बॉयज लेट्स गो, आज की लास्ट रेस होने वाली है हमारी। भाई ये इतनी तेज भाग रही है ना, बस इसकी ब्रेकिंग में मेरे को थोड़ी कमी लग रही है, झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे ऐसा लग रहा है थोड़ी ब्रेकिंग हल्की हो गई है इसकी, बट लेट्स गो। ठीक है स्टार्ट करते हैं आज की लास्ट रेस, और ये तो मैं कॉनिकसेग में ही करूंगा भाई, मुझे तो ये गाड़ी जितनी ज़्यादा चलाने के लिए दे दो भाई, मेरे को तो मज़ा ही आ रहा है इसमें भाई, लेट्स गो। लास्ट थर्ड रेस और फिर हमारी फरारी हमें वापस मिल जाएगी भाई, ये सच्ची में बीस्ट कार बन चुकी है पता है तुम लोगों को, मैक्स आउट होके एकदम नेक्स्ट लेवल भाई। लेट्स गो गाइस, आज की लास्ट रेस प्लीज़ जीतने देना मेरे को, मेरे को यार कैसे भी जीतनी है ये रेस, तो मैं मजाक भी नहीं करूँगा भाई। भाई ये जेस्को चला रहे हैं क्या ये लोग, व्हाट डू हैक, जेस्को इज लाइक द फास्टेस्ट कार नो भाई, जेस्को भगा रहे हैं ये लोग,
मेरे पास अगैरा है, लेकिन अगैरा हमारी बहुत अच्छी मॉडिफाइड है, मैं तो झूठ नहीं बोलूंगा। रोड पे रख, रोड पे रख, रोड पे रख भाई, मुझे लगा था झूठ नहीं बोलूंगा। ये कैसी वाली रेस है, ऐसी 100% वाली रेस है ना, मेरे को झूठ नहीं बोलूंगा। मेरे को लगा था कि भाई ये थोड़ी चिल होगी क्योंकि हमारे पास इतनी अच्छी गाड़ी है। मुझे क्या पता था ये लोग अपन, वो देख भाई वो देख कैसे रोर करते हुए आ रही है मेरे बगल से कोई गाड़ी। ओके भाई देख रहा, 2 सेकंड के लिए अगर मैं थोड़ी सी भी स्लो करूँ ना गाड़ी, भाई ऐसी इंजन रोर करने की आवाज आ रही ना बगल से, भगा भाई भगा। नहीं 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 नहीं, चल 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 चल, संभाल अंशु संभाल, गाड़ी संभाल, गाड़ी संभाल। यस हो रहा है भाई, आज नहीं आ रही है। 50% रेस हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं और हमने बहुत सही संभाल रखी है अभी तक का। हम लोग काफ़ी अच्छी लीड पे है भाई, दिख भी नहीं रहे पीछे बंदे। चल चल चल, चल चल चल, लेट्स गो। 50% रेस, हम लोग अभी भी फर्स्ट हैं गाइज। लास्ट 50 सेकंड में कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं ढंग से ही रहूंगा पूरे टाइम। भाई ये 300 कैसे पकड़ ले रही है भाई, 200 से 300 कब जा रही है पता ही नहीं चल रहा है यार। लेट्स गो, नहीं 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 नहीं, बढ़िया संभाल भाई संभाल, जितनी ज़्यादा गाड़ी ठूकेगी उतनी स्लो होती जाएगी, ये भी याद रखना। चल 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 चल, 300, नाइस भाई। ये लिटरली 300 कब पकड़ रही है पता, समझ में ही नहीं आ रहा यार। तुम लोग एक बार पीछे देखो, पीछे कोई गाड़ी नहीं दिख रही है मिनी मैप पे भाई। भाई ये तो हम लोग जीत रहे हैं भाई, मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ। 800 कह रहा हूँ, 80% हम लोग जीत चुके हैं ऑलरेडी। नहीं नहीं नहीं, वो भाई ये क्या है, वो एक गाड़ी देख रहा हूँ कितनी तेज आ रही है, एक गलती से ठोकर मार दी मैंने भाई। वो गारंटीड जेस्को है, मेरे से लिख के लो। बट ये रेस हम लोग जीत चुके हैं गाइस, ये रेस हम लोग जीत चुके हैं। अब कितनी तेज आए कोई गाड़ी आए भाई, हमारे पीछे का स्पॉइलर उड़ चुका है। ओ भाई वो गाड़ी देखी तुम लोगों ने, ओ भाई साहब लेट्स गो बॉयज, हम लोगों ने अपनी कॉनिक सेक से एक और रेस जी भाई, मैं मजाक भी नहीं करूंगा सच्ची में भाई। भाई बस मेरे को मेरी गाड़ी वापस करो भाई, वो गाड़ी लिटरली कुछ सेकंड्स पीछे थी हमारी, जो हमारे पीछे चल रही थी पता तुम्हें। ओ भाई बच गए हम लोग, वरना खत्म थे भाई यार। लेकिन ये गाड़ी क्या ही मॉडिफाई हुई है, क्या ही मॉडिफाई भाई यार, नेक्स्ट लेवल। रुको जरा एक बार, इसकी आवाज़ सुनते, मैंने आवाज़ नहीं सुनी। डैम ब्रो, टर्बो चार्जर्स की आवाज़ आ रही, ध्यान से सुनना ठीक है। देख रहे हो जैसे सुप्रा में नहीं आती ऐसे करके, इसमें आ रही है ठस भाई, क्या कूल है भाई। तो गाइस हम लोगों को फाइनली कॉल आया अभी फ्रेडी का, और मैंने मैप लगा दिया है भाई जहां पर वो लोग खड़े हुए हैं। आई गेस जहां पे मैंने लगाया उस हिसाब से तो मेरे को वही कंटेनर्स लग रहे हैं। आई जस्ट होप मेरे को मेरी फरारी वापस कर दे, क्योंकि हम लोगों ने इनको तीनों रेसेस में जितवाया है, तीनों रेसेस में, तुम समझ रहे हो, तीनों की तीनों रेसेस में हम लोगों ने इनको भाई एकदम परफेक्ट स्कोर दिया है नंबर वन का। तो अगर इन लोगों ने जितना ही पैसा लगा होगा भाई ये लोग जीत ही गए होंगे। आई जस्ट होप मेरी फरारी भी मेरे को वापस दे दे भाई यार, प्लीज़ भाई। कितने लाड और कितने प्यार से मैंने वो मैक्स आउट कर दिया, एंड बिलीव मी ब्रो, वन ऑफ माय फेवरेट अभी भी फरारी है मेरी भाई। उस गाड़ी की हैंडलिंग कुछ अलग ही है भाई, मैं मजाक नहीं करूँगा, कॉनिकसेक वगैरह भी उसकी कंपेरिजन नहीं कर सकती भाई। हैंडलिंग उसकी हैंडलिंग अलग ही है भाई, वो गाड़ी लिटरली कहीं से भी कुछ भी काट दो भाई, वो गाड़ी अलग ही है, एकदम अनोखी गाड़ी है वो। 4 किलोमीटर दूर बता रहे हैं, प्लीज यार भाई, प्लीज भाई बस। Turn left. अरे 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 यहीं से लेफ्ट था क्या, चलो राउंड अबाउट से वापस घुमा के लेके आता हूँ भाई। यार मजाक सेट के यार, वो भाई वो गाड़ी हमें वापस करो यार, 2 मिलियन। और मैंने मजाक सेट के सारे पैसे दे दिए फ्रेडी को तभी तो, वरना अगर वो बंद भी होती मेरे को इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती अगर मेरी गाड़ी नहीं होती तो। पर भाई वो है मेरी गाड़ी क्योंकि मैंने पैसे दे दिए सारे के सारे फ्रेडी को। आ जा भाई हाईवे में एक और बार टेस्ट करते हैं इसकी मैक्सिमम स्पीड भाई, ये लिटरली 450 तो ऐसी हॉलवे में कर देती है यार। ओके हम पहुंचने वाले हैं भाई, देखें 200 मीटर्स टर्न लेफ्ट भाई, आई होप मेरी गाड़ी भाई आगे वही कंटेनर्स है।
मैं बोल रहा था ना वही कंटेनर्स होंगे भाई, वही कंटेनर्स हैं। आई जस्ट होप इसीलिए बुला रहे हो ताकि हमें हमारी गाड़ी वापस कर सके ये लोग। लेट्स गो, यही होने चाहिए, यही होने चाहिए हैं। ओके भाई साहब, ये रहे तीनों के तीनों भाई। भाई मैंने तो देखो इज्जत से कर दिया है भाई। भाई मुझे मेरी गाड़ी वापस करो भाई, अब भाई अब इज्जत से दो। मैंने इन लोगों को पैसे भी कमा के दे दिए, सब कुछ दे दिया, मेरी गाड़ी चाहिए मुझे वापस। गाइस मेरी बात हो चुकी है टोनी माफिया से, भाई वो बोल रहा है बहुत ज़्यादा खुश है जो हम लोगों ने रेसेस जिताई हैं और अब शायद से यस सर वो चाह रहा है, उसका पीछा करते हैं, हम लोगों को हमारी फरारी वापस मिल जाए बस। कहाँ गया वो गायब हो गया यार। चलो भाई इसके पीछे चलते हैं। आई जस्ट होप भाई हमारी फरारी वैसी ही कंडीशन में मिल जाए जैसी थी भाई, टूटी टाटी ना मिले। हाँ ये ले जा तो वहीं रहे। लेट्स जस्ट होप वहाँ पे हमारी फरारी पड़ी भी हो भाई कंटेनर खुल के। गाइस फाइनली हम लोगों को हमारी फरारी वापस मिल गई है भाई, इन लोगों ने कंटेनर खोल दिया और हम लोगों को हमारी फरारी मिल गई है। लेट्स गो रिवर्स लेते भाई, सीधी रिवर्स लेनी है, गलती से भी ठुकनी नीचे कहीं पे भी। बहुत महंगी गाड़ी है भाई ये मेरे लिए तो, एटलीस्ट इन लोगों के लिए तो नहीं है भाई। सोचो वरना इनको 2 मिलियन की फरारी मिल गई थी तो उसके बाद तो ये भाई इसको ही ले जा सकते थे ना, कितना पैसा लूज करा होगा सोचो अब, अगर इनको फरारी से मतलब ही नहीं है तो। चलो भाई अब इसके पीछे चलते हैं वापस से। अबे कहाँ गया ये, चलो इसके पीछे चलते हैं वापस से टोनी माफिया के पास। भाई सच्ची मेरे फरारी तो फरारी है ब्रो ये गाड़ी यार, आया 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 ओ भाई साहब, भाई ये तो कहीं से भी कुछ भी कर दो इसका भाई। चलो हम लोग निकलते हैं ठीक है। ए टोनी माफिया मैंने तुम्हारे पैसे भी तुम्हें दिलवा दिए हैं और बाकी आई होप हमारे बीच में कुछ भी ना हो। फ्रेडी थैंक यू फॉर जो तुमने मेरी कॉनेक्सेक में करवाया है भाई पूरा का पूरा। मैं निकल रहा हूँ, बाय बाय गाइस। भाई अब क्या चाहिए इन लोगों को मेरे से, भाई यार अब क्या चाहिए इन लोगों को मेरे से।